आर्थिक महामंदी, महामंदी ये पूरा का पूरा टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा टॉपिक है और इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप वर्तमान में भी देखेंगे तो COVID-19 का प्रभाव है और विश्वव्यापी है। हर देश में COVID-19 के कारण लॉकडाउन है, हर देश की सरकार जूझ रही है, हर देश में आज भी जो अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे डगमगा रही है। व्यापार पूरी तरीके से, वैश्विक व्यापार तो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, पर्यटन और विभिन्न गतिविधियां बंद हो चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा का पूरा एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत पुरानी घटना है, आर्थिक महामंदी। देखिए 1914 से 1918 की अवधि पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप, अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, थोड़ा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये पूरा टॉपिक आपका इकोनॉमी से भी जुड़ेगा, विश्व इतिहास का टॉपिक है। तो आपका जो पूरा का पूरा 1929 की अवधि है, 1929 से लेकर 1935 तक, इस अवधि में एक बड़े स्तर की आर्थिक मंदी देखी गई। अब आर्थिक मंदी क्या है, मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप सभी को। आर्थिक मंदी देखी गई, ठीक है। और इसके बाद फिर 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। तो दो विश्व युद्धों के मध्य जो है सेकेंड वर्ल्ड वार, दो विश्व युद्धों के मध्य एक बड़ी घटना हुई, विश्व आर्थिक मंदी। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसके बारे में बताऊंगा। बच्चों देखिए, अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आर्थिक महामंदी का पूरा प्रभाव था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। दरअसल है क्या इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में आसान भाषा में आपको बताऊं, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था एक चक्र है। मान लीजिए आसान भाषा में कहें, अर्थव्यवस्था का एक चक्र है, एक साइकिल है। अर्थव्यवस्था कुछ नहीं, एक साइकिल है, जिस साइकिल में जो धन है या मुद्रा है उसका प्रवाह हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं, आप किसी माध्यम से आपके पास पैसा आया, उस पैसे को आप मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, दूसरे के पास जाता है, वो किसी और से सामान खरीदता है, उसके पास जाता है वो, तो हम एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। हम मांग क्रिएट कर रहे हैं। आपके पास पैसा आएगा, आपके जेब में पैसा होगा तो आप क्या होगा, डिमांड क्रिएट करेंगे, मांग क्रिएट करेंगे, है ना, और उसी एवज में सप्लाई होनी चालू हो जाएगी या हो सकता है ना भी हो। तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था एक चक्र, एक साइकिल है जो लगातार चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। यदि अर्थव्यवस्था का साइकिल रुक गया, मान लो ये रुक गया कुछ समय के लिए, तो यही स्थिति जो है आपकी बहुत ही भयावह हो जाती है। अर्थव्यवस्था का चक्र लगातार चलता ही रहना चाहिए। अब क्या हुआ है, कहां पे गड़बड़, आर्थिक महामंदी जैसी स्थिति कैसे आती है इसको समझेंगे। देखो आमतौर पर होता क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था है, बाजार की शक्तियों पर काम करती है, बाजार की शक्तियों पर काम करती है। अब बाजार की दो बड़ी शक्तियां हैं, बाजार की दो बड़ी शक्तियां हैं, पहली है मांग, डिमांड, और दूसरी है पूर्ति, आपूर्ति। ये दोनों बहुत जरूरी हैं। यदि मान लीजिए मांग बढ़ जाए और पूर्ति ना हो, मांग किसी चीज़ की मांग बहुत बढ़ जाए, पूर्ति ना हो, सप्लाई ना हो, डिमांड बहुत ज़्यादा हो, सप्लाई ना हो, तो क्या होगा, भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई के पूरे रूल से बाजार चलता है और इसको बोलते हैं अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, इसको बोलते हैं लेसेस फेयर, अहस्तक्षेप की नीति। एक पर्सन थे, इन पर्सन का नाम था, शायद आप लोग नाम सुनते हो, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक बुक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पे एडम स्मिथ ने इस पूरे सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसने कहा कि जो राज्य है राज्य को अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार से, राज्य को सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे बैठना चाहिए, विनियामक संस्था के तौर पे बैठना चाहिए, उसको अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसको अर्थव्यवस्था में किस तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो यदि अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा तो अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे, बाजार की शक्तियों के द्वारा चलेगी, और बाजार की शक्तियां डिमांड एंड सप्लाई है। यदि किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसके भाव बढ़ जाएंगे, है ना। मैं आसान भाषा में आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। कई बार क्या होता है, आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहते हैं, है ना, होता है ना, तो आपकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं हमेशा आप लोगों को भी समझाता हूँ कि अपनी पर्सनैलिटी पर लाइए, कि कभी अपनी
आपकी डिमांड, आपकी मांग ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी मांग ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी सप्लाई कम हो, इतनी सप्लाई नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अपनी उपस्थिति बहुत ज़्यादा कर देते हैं किसी के लिए, बस उसके साथ बैठना, तो धीरे धीरे सम्मान खत्म होता जाता है। वही सेम रूल यहाँ पे इकोनॉमी का है। ये रूल समझ ले, पूरी अर्थव्यवस्था समझ में आ जाएगी। जो आपकी कीमतें बढ़ती हैं घटती हैं, उसमें एक बड़ा रोल डिमांड एंड सप्लाई का होता है। सरकार का भी रोल होता है, सरकार भी कीमतों को, ये समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में ज़्यादातर होता है कि सरकार कीमतों का निर्धारण करती है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं जो हम क्रिएट करते हैं या जो बाजार क्रिएट करता है। यदि किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, उस चीज के भाव बढ़ जाएंगे यदि सप्लाई नहीं कर पाए, या किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है, किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है तो सप्लाई की स्थिति में क्या होगा, उसकी मांग, उसके भाव कम हो जाएंगे किसी चीज़ के भी मुद्रा। तो आप देखते हैं ना, आमतौर पे सोना के रेट बढ़ जाते हैं, यानी कि सोना में लोग निवेश ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा खरीद रहे हैं, इस कारण से उसके भाव बढ़ गए, है ना, कम खरीदेंगे भाव कम हो जाएंगे, एक कारण ये भी होता है। बाकी और बहुत सारे सिनेरियो हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़ा कारक है। मुद्रा का अवमूल्यन भी देखते हैं ना, कई बार डॉलर के रेट बढ़ जाना, रुपये के रेट कम हो जाना, तो सिर्फ ये डिमांड एंड सप्लाई ये बहुत बड़ी शक्ति है जो काम करती है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो डिमांड एंड सप्लाई इसी पे काम करती है, ठीक है। और आम तौर पे देखेंगे जो पूरा का पूरा मार्केट है पूंजीवाद में, ये बैंकिंग सिस्टम पे टिका हुआ है। बैंकिंग सिस्टम या देखें तो निवेशक, इन्वेस्टर, है ना, इन्वेस्टर आते हैं और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके चले जाते हैं, उनको ये लगता है कि कल के दिन उनका कर्जा वापस लौट जाएगा। अभी वर्तमान सिनेरियो को देखिए, वर्तमान सिनेरियो में क्या हुआ, मैं अभी आर्थिक महामंदी में आऊँगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आपको पहले चाहता हूँ कि समझाऊँ कोविड-19 के कारण क्या हुआ। कोविड-19 के कारण कुछ समय के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन करने से क्या हुआ, आर्थिक गतिविधियां बाधित हो गई, ये जो अर्थव्यवस्था का चक्र था ये रुक गया। अर्थव्यवस्था का चक्र रुक क्यों गया, यदि आप दुकानदार थे तो आपका माल रुक गया, वो बिकना बंद हो गया। क्यों, क्योंकि अब कोई, पहली बात तो क्या, लोगों की ज़रूरतें बदल गई, लोगों का एटीट्यूड बदल गया, लोगों को अब घर के अंदर, अभी देखेंगे ना वर्तमान में, अभी आने वाले समय में आर्थिक महामंदी का एक दौर शुरू होगा बहुत बड़े स्तर का। कारण क्या है, मार्केट की मांग कम हो जाएगी, मांग खत्म तो नहीं होगी, देखो खत्म कभी नहीं होगी, लेकिन कम हो जाएगी, लोगों की ज़रूरतें, लोगों का तरीका कम हो जाता है। तो जब मांग कम हो जाएगी तो उत्पादन तो कारखानों में आमतौर पर होता ही रहता है, या फिर जब मांग कम हुई तो उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो एक तरफ उत्पादन होकर के फैक्ट्रियों और कारखानों में रखा रहता है, उत्पादन तो होता है लेकिन वो कहाँ रखा रहता है, फैक्ट्रियों में और वहाँ पर रखा रहता है, और उसकी मांग वो बाजार तक नहीं आ पाता क्योंकि बाजार तो मांग क्रिएट ही नहीं कर रहा। अभी जैसे देखेंगे कोविड-19 के प्रभाव से लोगों के तरीके बदल गए हैं, लोगों को क्या नज़रिया बदल गया है, किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ में नहीं करना है। तो ऐसी चीज़ों में वस्तुएं तो उपलब्ध हैं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सप्लाई काफ़ी है, पर्याप्त है, यानी कि जो पूर्ति है या सप्लाई है या उत्पादन है किसी वस्तु का, वो पर्याप्त है, पर्याप्त है, लेकिन कोई उसे खरीदने वाला नहीं है, कोई उसे खरीदने वाला नहीं है। और जब कोई खरीदेंगे नहीं तो धीरे धीरे उत्पादन भी बंद होना चालू हो जाता है कारखानों में धीरे धीरे। और ये स्थिति यदि बहुत लंबे समय तक बनी रहे, इसी को मंदी कहते हैं, इसी को मंदी कहते हैं, कहते ना मंदी आ गई। तो वैश्विक आर्थिक मंदी में भी ये दो, एक बड़ी घटना हुई प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में जो यूरोपीय देश हैं, खासकर यूरोपीय देश, यूरोप में, उनमें एक विशेष प्रकार का पूरे यूरोप में वातावरण हुआ, वो था वैश्विक आर्थिक मंदी का। अब वैश्विक आर्थिक मंदी में हुआ क्या, पहली बात है सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थी, और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप दो तीन घटनाओं के कारण से वैश्विक आर्थिक मंदी हो गई। वहां पर बड़े स्तर की पूर्ति तो थी लेकिन मांग ही नहीं थी मार्केट में, लोग खरीदने के लिए तैयार ही नहीं थे, और बड़े स्तर की आर्थिक मंदी हो गई जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन भी बंद हो जाता है, लास्ट में उत्पादन भी बंद हो जाता है। अब इसके कई कारण है। पहला कारण, प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद जर्मनी के ऊपर युद्ध का हर्जाना लगाया गया, जर्मनी को युद्ध दोषी करार दिया गया और उसके ऊपर हर्जाना लगाया गया। कितना हर्जाना लगाया गया पता है आपको, जर्मनी के ऊपर 136,000,000,000 ये होता है 1,36,00,000,000,000 मार्क, इतना हर्जाना लगाया गया, इतना हर्जाना लगाया गया किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। किन्होंने लगाया, जो जीते हुए देश थे, मित्र देश थे, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। एक चीज और आपको बताऊं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सिनेरियो क्या था, अमेरिका और जो यूरोप था, यूरोप था, ईयू था,
अमेरिका के द्वारा व्यापक स्तर पर अमेरिका के निवेशक यूरोप को कर्ज देते थे, यूरोप को कर्ज देते थे। आमतौर पर कहें कि अमेरिका के कर्ज पर यूरोप चल रहा था, अमेरिका के कर्ज पर यूरोप चल रहा था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जर्मनी के ऊपर 1,36,000,000,000 का मार्क का ये कर्ज लाटा गया, और इसके अलावा जर्मनी के 15% हिस्से छीन लिए गए, 15% कोयला रूर वाला रूर घाटी का हिस्सा पूरा छीन लिया गया। ऐसी स्थिति में जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई, हालत खराब हो गई जर्मनी की। मैं आपको एक यहां पर बताता हूं, जर्मनी की मुद्रा का अवमूल्यन चालू हो गया, जर्मनी की मुद्रा के भाव पूरी तरीके से मार्केट में बिगड़ गए। जर्मनी के मुद्रा की मैं कंडीशन बता रहा हूं, जर्मनी की मुद्रा जहां पाउंड की तुलना की जाए तो 1919 में जर्मनी की मुद्रा जहां एक पाउंड के तुलना में एक बटे बीस थी वही जाकर 1923 में कितनी हो गई, 1/, अब मैं यहां पर जीरो लगाता जाऊंगा देखते जाइएगा, 1/16000000000, इतनी बुरी स्थिति हो गई जर्मनी की मुद्रा की, है ना। तो आम तौर पे आर्थिक महामंदी, जो वैश्विक आर्थिक महामंदी आई, उसका एक पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी के ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, आर्थिक हर्जाना वसूले जाने की बात आई, इससे भी सबसे बड़ा कारण ये निकल के आया वैश्विक आर्थिक महामंदी का। दूसरा क्या हुआ, जर्मनी की मुद्रा का पुनर्गठन किया गया, एक नई मुद्रा आई वहां पे, राइन मार्क आई, पहले मार्क चलती थी फिर राइन मार्क आई, राइन मार्क मुद्रा आई। जब उसकी मुद्रा की यह हालत हो गई, यहां तक यह कहते थे कि यदि जर्मनी में एक टोस्ट का पैकेट भी खरीदना है तो एक टोस्ट के पैकेट को खरीदने के लिए एक ट्रॉली पैसा ले जाना पड़ता था। तो पैसे की जब इतनी बुरी, तो पूरी की पूरी मुद्रा चेंज गई। इसको बोलते डवास योजना, डवास योजना लाई गई 1924 से 1929 तक डवास योजना चली, और उसके परिणाम स्वरूप स्थिति और बदतर हो गई। इसके बाद मैंने जैसा कि बताया कि अमेरिका के निवेशक बड़े स्तर पर यूरोप में पैसा देते थे, लेकिन 1929 के समय में क्या हुआ, अमेरिका में बड़े स्तर पर यूरोप, अमेरिका में शेयर मार्केट का एक नया प्रचलन चालू हुआ, शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया गया। और फाइनली जब शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया गया, तो जो अमेरिकी निवेशकों ने अपने पैसा को यूरोप को ना देकर के अपने ही देश में निवेश करने लगे, अपने ही देश के शेयर मार्केट में निवेश करने लगे, अमेरिका के शेयर मार्केट में निवेश करने लगे। इससे यूरोप की हालत और खस्ता हो गई और आर्थिक मंदी की विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई 1929 में। तो 1929 में आर्थिक महामंदी का पूरा जो स्वरूप हुआ, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अब चूंकि पूरी की पूरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यदि कोई भी किसी भी तरीके से किसी एक भाग में अव्यवस्था होती है, यदि मांग गड़बड़ाई, मांग में किसी तरीके की दिक्कत आई तो पूर्ति बिगड़ जाएगी, और यदि पूर्ति में कोई दिक्कत आई तो मांग बिगड़ जाएगी। दोनों के अनुशास्त्री संबंध है, और यदि इन दोनों चक्र में, यही चक्र है ना, मांग और पूर्ति, जब तक ये चक्र चलता रहता है अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होती। डिमांड एंड सप्लाई का रूल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और जब ये बिगड़ता है तो आर्थिक मंदी आ जाती है। आर्थिक मंदी, जैसे कि मैंने आपको आसान भाषा में बताया, आर्थिक मंदी में होता कुछ नहीं है, मांग बहुत ज़्यादा गिर जाने के कारण से क्या होता है, धीरे धीरे उत्पादन भी गिर जाता है, बना हुआ माल फैक्ट्रियों कारखानों में सड़ता रहता है, और ऐसी स्थिति में पूरी के पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। अब होता क्या, इसका रिजल्टेंट क्या निकलता है, बड़े स्तर पर बेरोजगारी होती है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और क्या क्या होता है, वैश्विक आर्थिक मंदी से बड़े स्तर पर बेरोजगारी होने के साथ साथ माल की कीमतों में घाटा आता है, मुद्रा का अवमूल्यन होता है, है ना। इसके बाद जो है राष्ट्रीय संरक्षणवाद की भावना का जन्म होता है, आर्थिक राष्ट्रवाद का जन्म होता है,
आर्थिक, अभी जैसे आप वर्तमान में देखिए कोविड 19 का प्रभाव चल रहा है, भारत सरकार ने भी आत्मनिर्भर भारत की बात कह दी कि भैया अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अब हमें किसी से कुछ नहीं खरीदना। कारण व्यापार, अब चाइना का इतना प्रोडक्ट आता था, अब तो चलो माहौल बन गया इंडियो चाइना बॉर्डर पर डिस्प्यूट के कारण से, अन्यथा की स्थिति में चाइना के कारण से भारत का व्यापार संतुलन चाइना के पक्ष में था, चाइना को बेनिफिट होता था। अब हमने क्या कर दिया, संरक्षणवाद की नीति लेकर के आ गए, नया कॉन्सेप्ट आत्मनिर्भर भारत। ऐसे ही जब यूरोप में आर्थिक महामंदी 1929 में आई थी, उस समय भी आर्थिक, इससे होता क्या है, दूसरे देश के माल पर बड़े स्तर पे कस्टम ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है। कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क जो लगता है, उसके परिणाम स्वरूप उस देश का माल जो है बहुत महंगा हो जाता है और दूसरे देश में नहीं बिकता है। अभी आपने देखा था इंडिया और अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार चल रहा था, व्यापार युद्ध चल रहा था, वो भी राष्ट्रीय आर्थिक संरक्षणवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैंने जैसा कि कहा वर्तमान परिदृश्य को देखें तो आप पाएंगे कि देखो एक क्वेश्चन आएगा आर्थिक महामंदी से 100% क्वेश्चन आएगा इस साल जो स्थिति है, या तो ये पूछेगा या तो कुछ भी पूछेगा। तो ये बहुत भयावह स्थिति होती है जब संरक्षणवाद की बात चालू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पे यही पूरी की पूरी घटना 1929 में हुई और जिसको वर्तमान में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जितने भी देश थे, इन्होंने राष्ट्रीय संरक्षणवाद प्रारंभ किया। इसके बाद जो है वैश्विक आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रयास किए गए। डावस योजना लाई गई, डावस योजना के तहत जर्मनी और यूरोप में जो विषम आर्थिक संकट था उसमें जर्मनी की मुद्रा का पूरी तरीके से जर्मनी की मुद्रा क्या की गई, भंग कर दी गई और नई मुद्रा का सृजन किया, गठन किया गया। इसके अलावा सरकार के द्वारा व्यापक स्तर पर निवेश किया गया और इसके लिए सबसे प्रमुख जो पॉलिसी आई अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनके द्वारा न्यू डील कार्यक्रम लाया गया, न्यू डील कार्यक्रम। और एक कुछ नहीं था, ये इन्वेस्टमेंट था, एक बड़े स्तर का इन्वेस्टमेंट था किसी भी राष्ट्र का अपने देश के राष्ट्र के लिए। और इसमें क्या क्या चीज़ था, न्यू डील कार्यक्रम के तहत क्या क्या किया गया, पहली चीज राहत और पुनरुद्धार का काम प्रारंभ किया गया, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उनको लिए सहायता सब्सिडी दी जानी चालू की गई, बड़े स्तर पर सार्वजनिक निर्माण किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया और इसके बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाया गया, फिर से मांग को क्रिएट किया गया। तो आमतौर पर मांग क्रिएट करना बहुत जरूरी, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग क्या है, आप लोग कुछ खरीदे ना, क्योंकि कोविड 19 के कारण सब आपके दिमाग में आ गया कि पहले पेट जरूरी है ना, अब चीजें बदल गई हैं, तरीका बदल गया। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को यह करना चाहिए कि लोन बहुत सस्ता कर दे, लोन सस्ता हो जाएगा तो क्या होगा, लोन आप लोग लेना चालू कर देंगे, आप गाड़ी घर जो भी चीज खरीदना होगा लोन में खरीदोगे। इकोनॉमी का एक आसान सा रूल है, आपके जेब में भी पैसा है ना तो आप उस पैसे को बचा के नहीं रखते, उस पैसे को आप तुरंत मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, जेब में पैसा ही नहीं है तो क्या करोगे। तो सरकार का काम है आपको पैसा डाल देना आपकी जेब में, यदि पैसा डाल दिया तो इसके बाद आप मार्केट जाओगे ही जाओगे, यदि आपके जेब में अभी 1000 की नोट हो तो आप बैठोगे नहीं, क्लास नहीं करोगे, आप क्या करोगे पहले मार्केट जाओगे, भैया कुछ खरीदते हैं, दिमाग अलग अलग चलता है, 1,00,000 रुपए तो दिमाग और चलेगा, 2,00,000 रुपए तो और ज्यादा चलेगा, 10,00,000 रुपए तो और ज्यादा चलेगा, 50,00,000 रुपए तो और ज्यादा चलेगा। तो जब आपके पास पूंजी होती है तो पूंजी रुकती नहीं है, पूंजी प्रवाहमान होती है, लेकिन अभी कोविड 19 के कारण से या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1929 में पूंजी थी ही नहीं, जब पूंजी नहीं थी तो फिर खर्च कैसे करेंगे, तो मांग पूरी समाप्त हो गई। अभी वर्तमान में मांग समाप्त हो गई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर मांग समाप्त, विभिन्न सेक्टर में देखेंगे मांग नहीं आपको दिखेगी और ऐसी स्थिति में बहुत स्थिति गंभीर हो जाती है, यही आर्थिक मंदी है ना। और इसके निपटने के लिए कुछ नहीं करना है, 1929 में न्यू डील कार्यक्रम लाए गए और उसमें सरकार के द्वारा राहत और पुनरुद्धार कार्यक्रम किया गया सभी देशों के लिए, व्यापक स्तर पर इन्वेस्टमेंट किया गया, सरकार के द्वारा सार्वजनिक निर्माण किए गए और जितने आजीविका विहीन लोग थे रोजगार के नए माध्यम सृजित किए गए और यही पूरा का पूरा तरीका उसमें अपनाया गया था। ठीक है, जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी ने, चूंकि जर्मनी के ऊपर हिटलर आया, हिटलर पहले संधियों से मुकर गया, हिटलर बहुत सारी संधियों से मुकर गया और हर बार अपने देश के नागरिकों को बोलता था कि देखो ये है वर्साय की संधि जिसने आपको, आपके लोगों के स्वाभिमान को समाप्त किया है, आज जर्मनी को आर्थिक तौर पर समाप्त कर दिया इन सभी देशों ने, तभी द्वितीय विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीच छुपे हुए हैं। तो आर्थिक महामंदी में जर्मनी ने किया क्या, हिटलर ने प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध का सामान बनाना प्रारंभ कर दिया और जब युद्ध का सामग्री व्यापक स्तर पर बननी चालू हो गई तो क्या हो गया, वहां पे रोजगार बढ़ गया है ना। तो आर्थिक महामंदी से बचने के लिए कई देशों ने कई सारे कार्य किए, जर्मनी ने क्या किया, युद्ध सामग्री और सार्वजनिक निर्माण पर अत्यधिक बल प्रदान किया,
यूरोप ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, न्यू डील कार्यक्रम लाया गया। न्यू डील कार्यक्रम के तहत क्या हुआ, राहत पुनरुद्धार और सुधार जैसे अनेक नीतियों को अपनाया गया, जिसके तहत आजीविका विहीन लोगों को क्या किया गया, वित्तीय सहायता दी गई और सार्वजनिक निर्माण प्रदान किया गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हुआ, ब्रिटेन ने आर्थिक महामंदी से बचने के लिए जो सोने के आधार पे करेंसी को छापना या करेंसी के जो करेंसी का जो पूरा का पूरा उसकी वैल्यू होती थी उसे निर्धारित करना, इस प्रतिमान को त्याग दिया, स्वर्ण प्रतिमान को त्याग दिया। इसके अलावा जो है जो कृषि उत्पाद थे विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता बनाए रखने के लिए अमेरिका ने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। मुद्रा, अब ये सब चीज़ें इकोनॉमी की चीज़ें हैं, आप एक बार अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, मैंने विश्व इतिहास में इसे बहुत अच्छे से पढ़ाया है और इकोनॉमी के टॉपिक पर बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। ऑनलाइन बैचेज में बहुत डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, तो एक बार आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे कम समय पे मैं नहीं समझा सकता हूँ। तो विभिन्न देशों के द्वारा एक क्या किया गया, निवेश किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया, और इसी के माध्यम से लोगों के पास जब पैसा पहुँचा दिया गया तो क्या बन गया, आर्थिक महामंदी का उपाय यही है, सबसे बड़ा उपाय यही है। और इसके तहत विभिन्न देशों के द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न विभिन्न सेक्टरों पर क्या किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया, यही इसका जो है मुख्य रूप है। और न्यू डील कार्यक्रम जो था उसमें आर्थिक महामंदी से निकलने में सबसे ज़्यादा योगदान इसी ने दिया। अमेरिका के बाद यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी सुधार आया। 1939 तक आते आते महामंदी खत्म हो गई, लेकिन महामंदी खत्म होती इससे पहले द्वितीय विश्वयुद्ध आ गया, द्वितीय विश्वयुद्ध 1939 में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा टॉपिक था आपका, टॉपिक था वैश्विक आर्थिक महामंदी से निकलने के उपाय। तो पहला उपाय था न्यू डील कार्यक्रम, ठीक, दूसरा उपाय था सभी देशों के द्वारा बड़े स्तर पर निवेश किया जाना, न्यू डील कार्यक्रम में भी राहत और पुनरुद्धार कार्यक्रम था, आजीविका विहीन लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है ना, कृषि उत्पादों को मार्केट में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है ना, तो सभी देशों, जर्मनी के द्वारा व्यापक स्तर पर युद्ध निर्माण कार्य किया गया, विभिन्न संधियों को बदला गया, डावास योजना लेकर के आई गई है ना, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, यंग कमेटी बनाई गई थी 1933 में। तो एक बार विश्व इतिहास आप लोग इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो वैश्विक आर्थिक मंदी का मतलब ये है कि जहाँ पे मांग काफ़ी गिर जाना और उत्पादन इतना हो जाना, कारखानों में माल सड़े, ठीक है, बड़े स्तर पर। अभी वर्तमान में आप ये पूरा का पूरा सिनेरियो देख रहे हैं, माल बन के तैयार है बहुत सारी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, लेकिन डिमांड खत्म हो गई, डिमांड खत्म हो गई है ना, और इसके कारण से व्यापक स्तर पर बेरोजगारी आती है, व्यापक स्तर पर बेरोजगारी देख रहे हैं, 13 करोड़ रोजगार अभी खत्म हो गए, प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान यूरोप के देशों में यही हुआ था। और आमतौर पर ये उन देशों में ज़्यादा होता है जो पूंजीवादी देश होते हैं, समाजवादी देशों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सोवियत संघ पूरी तरीके से बच गया था, क्यों, क्योंकि समाजवादी देश जो होते हैं उसमें सरकार का प्रॉपर हस्तक्षेप होता है, सरकार नीतियों का निर्धारण करती है। अब जैसे कोविड-19 में चीन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चीन में सरकार ही सब कुछ निर्धारित करती है, एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी है वहां पर, रशिया में कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किन्हें पड़ेगा, जितने भी वैश्वीकरण वाले देश हैं, जो वैश्वीकरण है, अब धीरे धीरे संरक्षणवाद बढ़ेगा, सभी देशों ने आर्थिक संरक्षणवाद किया, ट्रेड वॉर चालू हो जाएगा। अभी आत्मनिर्भर भारत की बात क्या है, यही तो है राष्ट्रीय संरक्षणवाद की जो बात है कि अब हम अपना सामान खुद बनाएंगे, हमें विभिन्न देशों के सामान का बाइकॉट करना है, मेड इन इंडिया बनवाना है और इसी पे काम करना है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये आर्थिक महामंदी से निपटने को लेकर के कार्य किए गए। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये रही आज की इस विषय वस्तु, इससे जुड़ी हुई चर्चा पर चर्चा। अब आप सभी से मैं एक बार फिर से आग्रह करूँगा, पुनः आग्रह करूँगा, जितने भी छात्र हैं सभी छात्र